स्कूली किताबों ने मुझे समझाया कम और कंफ्यूज ज्यादा किया। मसलन जो फूड चेन हमें पढ़ाई गई वो मोगली के मतलब की ज्यादा है और मेरे कम। मैम का कहना था जंगल में घास पत्ती उगती है जिसको शाकाहारी जानवर खाता है, शाकाहारी जानवर को मांसाहारी जानवर खाता है और जब वो मरता है तो उसकी खाद बनती है जिससे घास पत्ती दोबारा उगती है। कहीं पे इंसान भी इसी फूड चेन का हिस्सा है, पर ना तो आज इंसान जंगल में रहता है और ना ही वो जानवर जिसे इंसान खाता है। वो तो आता है एक अलग ही तरह की चेन से। माइनिंग कंपनियां फॉस्फेट की माइनिंग करती हैं, केमिकल कंपनियां इस फॉस्फेट का यूरिया बनाती हैं, फार्मिंग कंपनियां इस यूरिया से फीड उगाती हैं और मीट कंपनियां इसी फीड से जानवरों को तैयार करती हैं और इन जानवरों का मांस हम खाते हैं, ना कि जंगली जानवरों का। तो जो लोग इस चिंता से मांस खाते हैं कि भाई प्राकृतिक फूड चेन ना डिस्टर्ब हो जाए, उनके लिए खुशखबरी है क्योंकि भाई ये जानवर तो आ रहे हैं बिल्कुल एक अलग तरह की चेन से। हाँ, पर अगर हम मांस खाना बंद करते हैं तो ये जो इकोनॉमी वाली चेन है इस पे एक प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि आखिरकार भारत में सालाना मांस का 3 लाख करोड़ का कारोबार होता है। तो जाहिर सी बात है कितने ही लोगों का घर इससे चलता होगा, पर भारत में ही सालाना 35 से 45 हजार करोड़ का कारोबार ड्रग्स का भी होता है। तो ये भी तो पैसा आखिरकार हमारी इकोनॉमी में ही आ रहा है। और एक बात और, हमारे देश में 1.5 करोड़ से ऊपर लड़कियों को देह व्यापार में धकेल के उनसे जबरन वेश्यावृत्ति कराई जाती है। तो इससे भी तो छोटे से लेके बड़े स्तर तक कितने लोगों के घर पैसा जाता होगा। तो अगर लॉजिक ये है कि भाई इकोनॉमी के लिए हम किसी की कैद को, किसी के दर्द को नजरअंदाज कर सकते हैं, तो वेश्यावृत्ति भी चलने दीजिए और करिए ड्रग्स को भी सपोर्ट। या हम अपने आप से ईमानदार हो सकते हैं कि भाई ना फूड चेन के लिए ना इकोनॉमी के लिए, अगर मैं मांस खाता हूँ तो सिर्फ अपने स्वाद के लिए।